इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, एक्टर नवाजुद्दीन अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका वो इंटरव्यू है जिसमें एक्टर ने गांव में जाति भेदभाव को लेकर बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान जाति प्रथा का शिकार होने पर नवाजुद्दीन का दर्द छलका है। इतना ही नहीं, एक्टर ने हाथरस केस में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंटरव्यू में बताया कि वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं। मेरे परिवार में मेरी दादी निचली जाति से थी। यहाँ वहाँ के लोग आज तक हमें मेरी दादी की वजह से हमें स्वीकार नहीं करते हैं। एक्टर ने आगे बताया कि मैं फेमस हूँ, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्मों में उनकी लोकप्रियता के बावजूद भी उन्हें बख्शा नहीं जाता है। जाति व्यवस्था उनकी गहराई तक समाई हुई है, उनके रगों में है। वे इसे अपना गौरव मानते हैं। शेख सिद्दीकी ऊंची जाति के हैं और उन्हें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिन्हें वे अपने से नीचा मानते हैं। आज भी वहाँ ऐसा है, यह बहुत मुश्किल है। लोग कह सकते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर वही लोग आसपास की यात्रा करें तो उन्हें अलग सच्चाई पता चलेगी। हाथरस की घटना पर रिएक्ट करते हुए नवाज ने कहा, जो गलत है वो गलत है। हाथरस में जो हुआ उसके खिलाफ हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी भी बोल रही है। बोलना बहुत जरूरी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस लड़की का रेप और मौत का जिम्मेदार उच्च जाति के चार लड़कों पर लगा है।